सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट रिव्यू, या जो मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू बना रखा है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में, उससे रिलेटेड बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट के आ रहे थे कि सर इसका कोई कंपैरिजन वीडियो बनाइए जिसमें मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का कोई हम कंपैरिजन कर सकें, या इसी के कोई अगर हम मारवाड़ी के जैसा ही कोई सिमिलर ऑप्शन देखते हैं तो हमें क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है। सिंगल यूनिवर्सिटी मुझे जो लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर और भी बहुत सारे फैक्टर्स लिए, जिसको प्रॉपरली देखने के बाद कि यार एक्सपोजर कहाँ पर और मारवाड़ी के जैसा एक्सपोजर आपको इतनी फी स्ट्रक्चर में और कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, क्या फैसिलिटीज मारवाड़ी दे रहा है और इसके साथ साथ और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आपको सेम फैसिलिटी सेम इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल पाए। मैंने काफी सारे ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे इनके फी स्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपसे थोड़ा बहुत ज्यादा फीस लेंगी, 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस लेंगी या उससे ज्यादा फीस लेंगी। जैसे आपका UPS है, 4.5 लाख रुपए फीस है, SRM यूनिवर्सिटी, VIT यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपकी फीस ज्यादा है और आपको काफी अच्छा लाइक क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, आपको काफी हर मामले में प्लेसमेंट से लेकर के वहां पर कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ सब कुछ बहुत बेटर मिलता है। लवली प्रोफेशनल हो गया, चितकारा यूनिवर्सिटी हो गया, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन सिर्फ एक फैक्टर जो कि फी स्ट्रक्चर, साथ साथ वहां पर फॉरेन एजुकेशन की अगर बात, तो वो शायद दूसरी यूनिवर्सिटीज में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको कोई भी लगता है कि इसके कंपैरिजन में हम कोई यूनिवर्सिटी और ले सकते हैं तो मुझे आप सजेस्ट करिए, मैं उस पर डिटेल्ड में प्रॉपर एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक चीज और आप सभी से कहना चाहूंगा, इस चैनल पर आपको करियर अल्फा पर जो भी आपको कैंपस के रिव्यूज मिलेंगे, कॉलेजेस के रिव्यूज मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल भी प्रमोटेड नहीं होंगे। जो ग्राउंड लेवल पर इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जस्ट लाइक कि अगर मेरे साथ में मेरा कोई छोटा भाई होता है, फैमिली मेंबर होता, तो मैं उसको रिकमेंड कर पाता कि हाँ यार तू जाके इस यूनिवर्सिटी में ले ले या ये यूनिवर्सिटी ले ले। सबसे पहले यहाँ पर उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है जिनके JEE में 90+ परसेंटाइल या 90 से अच्छे परसेंटाइल आ रखे हैं। फिलहाल अगर आपको यहाँ पर इससे आपके ज्यादा परसेंटाइल है, उसके बावजूद अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके 90+ परसेंटाइल अगर JEE में आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी मत लेना, आपके पास और भी ऑप्शंस गवर्नमेंट में या लोअर NITs में या फिर अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफी अच्छे ऑप्शंस, स्टेट वाइज अलग अलग ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी उनके लिए जिनको एक 1 लाख के अंदर फीस स्ट्रक्चर वाला कॉलेज चाहिए कि हमें सर कोई एडिशनल चार्ज आपसे ना चार्ज किया जाए, 1 लाख के अंदर हमारा सारा कंप्लीट हो जाए हॉस्टल के अलावा, मैं सिर्फ ये कॉलेज फीस की बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर 98,000 फीस स्ट्रक्चर मिल जाती है। यहाँ पर अगर MBA कोर्स की बात करें तो MBA कोर्स में 1,80,000 फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलती है। चलिए ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि भाई फीस स्ट्रक्चर ये नॉर्मल हमारा फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या हमें बहुत सारे कॉलेज है जो इससे भी कम में आपको बीटेक दे रहे हैं, इससे भी कम में आपको MBA दे रहे हैं, लेकिन क्या वो साथ में जो एडिशनल फैसिलिटीज हैं यहाँ पर जो बाकी चीजें आपको मिलती हैं क्या वो अदर यूनिवर्सिटी में। देखिए एक्सपोजर सिर्फ उससे नहीं होता कि आप बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं कॉलेज में और आपके क्लब्स बने हुए हैं, वो एक्सपोजर नहीं है। अगर हम बात करें एक्सपोजर के नाम पे आपको क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको एक्सपोजर में ये देखना चाहिए कि वहां पर कहां कहां से आने वाले स्टूडेंट हैं। अगर मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहां पर जो 26 स्टेट से आने वाले बच्चे यहां पर हैं, साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज से भी यहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, लगभग यहां पर 52 कंट्रीज से इनके पास में बच्चे आते हैं। इनका ऑफिशियल जो ब्रोशर में इनका डेटा दिया हुआ है उस डेटा के बेसिस में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर 52+ कंट्रीज से आने वाले बच्चे होंगे तो वहां का जो एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से वहां का जो एक्सपोजर होगा वो काफी बढ़िया होगा। आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप फॉर सपोज एक क्लास में जहां पर अलग अलग कंट्रीज से आने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में आप जानते हैं, सीखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे काफी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी कंट्री में क्या है, एजुकेशन कैसे होता है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप इसी बजट में आपको ये चीजें मिल पा रही हैं। साथ ही साथ अगर इस यूनिवर्सिटी का मैंने जो भी वीडियो देखा, एक वर्चुअल मैंने टूर किया, उस टूर में जो इनका कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल हम कह सकते हैं। लाइब्रेरी इनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डर इनकी लाइब्रेरी है, जहां पर इनकी लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, थाउजेंड ऑफ बुक्स हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट आपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो वो इनकी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है कि सर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने एवरेज पैकेज जो क्लेम करी है 6 लाख की एवरेज पैकेज ये क्लेम करते हैं कि हम 6 लाख रुपए तक की एवरेज पैकेज यहाँ पे देते हैं। लेकिन फॉर सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर हम 6 लाख पैकेज नहीं मानते, मैं मिनिमम मान लेता हूँ कि आपकी 4.5 से 5 लाख की एवरेज पैकेज भी अगर इस कॉलेज में मिल रही होगी तब भी ये यूनिवर्सिटी इंडिया के 90% यूनिवर्सिटीज से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट बहुत कम करने वाले हैं। जहाँ पर हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा जो ROI होगा किसी भी कॉलेज को लेने से पहले या प्राइवेट कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो कितना पैसा हम लगाने जा रहे हैं और रिटर्न में हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है वो एक कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है क्योंकि आप लगभग 100% अपना अमाउंट निकाल लोगे।
आप लगभग 4-5 लाख रुपए, जो भी आप 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो एज ए ट्यूशन फी, एज अ यूनिवर्सिटी की कॉलेज फी, तो वो अपना अमाउंट आपका प्लेसमेंट के टर्म्स में निकल आएगा। हाँ, हॉस्टल जो है, हॉस्टल भी यहाँ पर अवेलेबल है आपको, हॉस्टल एसी, नॉन एसी, 2-सीटर, 3-सीटर, सिंगल सीटर, सारे तरह के हॉस्टल्स यहाँ पर अवेलेबल है। इस यूनिवर्सिटीज में क्या कमी हो सकती है? तो देखिए, अभी तक जो भी मैंने फीडबैक या मैंने ड्रॉबैक इस यूनिवर्सिटी में मिला, अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स की, जो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, यहाँ से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक ड्रॉबैक मुझे मिलता है यहाँ पे कि यहाँ से आपका डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस फैक्टर को देखें तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लगभग 700-800 किलोमीटर से लेकर आपका 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस यहाँ से हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आप डिस्टेंस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं या डिस्टेंस आपके लिए मैटर नहीं करता है, देन आपको मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कॉन्स है, कोई यहाँ पर ड्रॉबैक मिलेगा आपको। और एक अच्छी बात यह कि आपको यहाँ पर इजीली एक स्मूथ एडमिशन प्रोसेस है, आपको कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो यहाँ पर एडमिशन को लेकर बहुत कॉम्पिटिशन भी आपको नहीं मिलेगा। लाइक अगर आपका एक नॉर्मल आपने विदाउट जेई एडमिशन लेना है, तब भी आपको यहाँ पर एडमिशन पॉसिबल है। मे भी हो सकता है वो मेरिट के बेस पे आपको कंप्यूटर साइंस या अदर ब्रांचेज ऑफर करें, तो वो एक अलग उनका जो खुद का पैरामीटर है कि मेरिट के बेस पे सीएस, जो इनकी अच्छी मेरिट है उनको कंप्यूटर साइंस देंगे, जिनकी थोड़ी सी मेरिट डाउन है उनको अदर ब्रांचेज में डाल देंगे, अदर ब्रांचेज के ऑप्शन देंगे। तो ये पूरा यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है। इसके साथ अगर हम कुछ गवर्नमेंट एक्रीडेशन की बात करें, तो यहाँ पर इनके पास गवर्नमेंट एक्रीडेशन में एनबीए है, नैक का अप्रूवल है, नैक ए प्लस इनके पास में, जो कि लगभग इंडिया की 4% यूनिवर्सिटीज में नैक ए प्लस है। शानदार आपको रैंकिंग भी मिल जाती है, कोई भी प्राइवेट रैंकिंग मैं शो नहीं करूंगा, हालांकि इनकी प्राइवेट इंडिया टुडे और कई सारे न्यूज़पेपर में इन्होंने बहुत अच्छी रैंक गेन करी है, काफ़ी अच्छे रेपुटेड न्यूज़ के न्यूज़ चैनल से उन्होंने इनको अच्छी रैंक पे बताया है, लेकिन मैं प्राइवेट रैंकिंग की बात ही नहीं करूंगा यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ हम एनबीए की बात करेंगे, नैक की बात करेंगे, एनआईआरएफ की बात करेंगे, जिसमें से तीनों में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर, गुजरात स्टेट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी अवार्ड मिला हुआ है। जो भी बेसिक चीज़ें यार, जो भी बेसिक से लेकर लगभग एडवांस तक चीज़ें होती हैं, वो मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती हैं। अगर आप परेशान आपको नहीं होना है, आप ऐसी यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करना चाहते हो जहाँ पर आपको लाइक आपके जेई वगैरह, जो मैंने बताया कि आपको एडमिशन प्रोसेस बहुत टफ है या लेंथी प्रोसेस आपको नहीं गुजरना है, एक नॉर्मल स्मूथ प्रोसेस होने वाला है, लेकिन सीट्स इनके पास भी काफ़ी लिमिटेड रहती हैं, तो जो भी एडमिशन सीकर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतर लगती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। कोई आपका डाउट या क्वेरी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फर्दर आपको कुछ परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पर स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही है, उससे रिलेटेड आपको एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने परसेंटेज पर आपको क्या स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकती है, वो भी हम बात कर लेंगे। तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो मुझे बनाना होगा। अगर आप उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और या फिर आप डायरेक्टली दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी और भी जो भी डिटेल्स आपके होंगे या पर्सनल क्वेश्चंस होंगे उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इंडिया की और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।